the day of Lord has, ये सभी लोगों को फिर कर आना जरूरी है। जो टूर के हैं, कटिहार के हैं, पूर्णिया के हैं, सुपौल के हैं, मधेपुरा के हैं, सहरसा के हैं, आना जाना संभव नहीं है, वो कल जैसे बताया गया था वैसे शिवांजलि में और जो इतक के साथी हैं केदार भवन में रहेंगे। जिला पटना के सभी कुरियर, भोजपुर के सभी कुरियर, जहानाबाद, हाजीपुर, नालंदा, ये तमाम कुरियर फिर कल आएंगे। दो चार पांच दिन धैर्य रखने की आवश्यकता है और दो चार पांच दिन लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हड़ताल के कारण मिशन इंद्रधनुष का डेट बढ़ा था, जब 7 सितंबर को होने वाला है, 7 सितंबर के पहले सरकार या तो इस हड़ताल को समापन कराएगी या सरकार दमन करेगी, वो भी रास्ता सरकार के सामने है। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति में सरकार कम देगी कि ज्यादा देगी ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस देश का और बिहार का, जब इस देश की राजनीति दो भाग में बटी है, एक एनडीए एक इंडिया, और इंडिया में जब सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, तो आपका दमन ये लोग होने नहीं देना, इस बात की गारंटी है। अपने देश के खजाने से क्या निकलेगा, मोदी के खजाने से क्या निकलेगा, इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन भूमिल ने कहा है राजनीति का पाव भारी है, कुछ न कुछ तो होगा, राम होगा चाहे नहीं, इसलिए कल आप आएंगे। अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से हमारे गर्जवन यहां मंच पर बैठे हुए हैं और इनकी बातों से, इनकी धैर्य रखने की बातों से जो बात बताई जा रही है उनको अमल किया जाए। और विशेष बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे हड़ताली कर्मचारी वर्कर जो हैं उनके लिए यह सहयोग करने की बात पहले से हो रही है और अभी भी हो रही है। हमारे विधायक दल के नेता सीपीआई माले एवं सीपीएम के नेता जो भी हैं हमारे काम में लगे हुए हैं, वह बहुत खुल कर आएगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दो चार दिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा और इसी तरह से गर्दनी बाग पटना में आपको धरना प्रदर्शन की कार्यक्रम चलाया जाएगा। हमारे गर्जवन महोदय का जो स्टेटमेंट है, इनको 30-32 साल की अनुभव है और कैसे नहीं, हम लोग अपने हिसाब से मिलना के लिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। इसलिए भाइयों आप से अनुरोध है कि आप लोग अपने हड़ताल पर डटे रहिए और हमारी मांग यह है कि आपने जो आशा का 1500 और पहले से 1000 रुपया राजकोष से दिया है, उसी तरह से भाई कुरियरों को 1000 नहीं, हम लोग को 10000 रुपया राजकोष से दिया जाए और 300 दिन का कार्य दिया जाए। यह मेरी अनुरोध है बिहार सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से एवं जो भी उनके प्रवक्ता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी मांगों को समर्थन करने के लिए सरकार अपने कैबिनेट में फैसला दें और समझौता कराकर हमारे हड़ताल को वापस करवाएं। इसलिए भाइयों राज खजाने से हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग इतना लंबी लड़ाई आगे की ओर ले जाने का संकल्प लिया है कि जब तक राजकोष से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। यह मेरी संकल्प है और हम अपने गर्जवन महोदय से पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग लेकर ही रहेंगे चाहे जितना दिन हड़ताल चलता रहे। सरकार अब यह चाह रही है कि शिक्षकों के आदेश को करवा कर और जो भी समस्या का समाधान उनसे निपटारा करवाया जाए, लेकिन सरकार अभी वैक्सीन पहुंचाने का काम
एम्बुलेंस से या टेम्पू से ले जाती है तो ले जाने दीजिए। हम लोग को उन प्रवाह को छोड़ देना होगा और साहस और धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि जब तक त्याग नहीं होती है तब तक कोई चीज मिलता नहीं है। और परिश्रम करने का मतलब हुआ कि हम लोग हड़ताल पर डटे रहे, यही हमारी परिश्रम होगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर 300 दिन का कार्य मिल जाता है और अस्थायी नियुक्ति हो जाती है तो हम लोग का जीवन सवार्थ हो जाएगा, यही समझना है। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ भी अगर लाभ मिल जाए राजकोष से तो हम लोग लेकर हड़ताल को वापस करेंगे, और जब तक नहीं मिलता है तब तक हड़ताल को डटे रहेंगे। इसलिए और विशेष विशेष बात यह है कि जो भी मिलेगा हड़ताल को वापस करेंगे, लेकिन निकट भविष्य में इसके लिए और विधायक इकट्ठा होकर संगठन को और मजबूत करेंगे। दोनों संगठन के घटक दलों को वरिष्ठ नेताओं या संयुक्त नेताओं के द्वारा जो भी मान सम्मान मिला है वो मिलता रहेगा, और निकट भविष्य में जो हमारे कुरियर भाई हड़ताल में नहीं है उसे भी गुजारिश करके अगले वर्ष में जो भी समस्या होगा फिर गर्दनी बांध के धरती पर हम लोग पहुँचेंगे, और किसान और ऐतिहासिक प्रदर्शन करके जो भी समस्या होगा सरकार से हम लोग लेने का काम करेंगे। मैं